बॉस बोलते हैं रामबाण है उनका, बायोकेम डीटीएस शुरू हुई, वो बहुत अच्छी थी, तैयारी को एक अलग मोड पे ले गई। फिर माइनर्स चलते जा रहे थे, अच्छी तैयारी हो रही थी, फिर बीच में बॉस ने रैंडम शुरू किए। हर थर्सडे को सुबह 6 बजे जाते थे सी बिल्डिंग, वहाँ बॉस मिलते थे, पेपर वही डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वहीं उसका सोल्यूशन, वहीं रैंक, सब वहीं पे, वहीं डांट। जय सी एल सी। मैं 12th करके सबसे पहले सी एल सी गई थी, वहाँ मैं जीन माता हॉस्टल में रही। एक हफ्ते भर में फील हो गया कि मतलब सब अच्छा है, घर वर की बिल्कुल याद नहीं आ रही, सारा सिस्टम अच्छा है। शाम को असेंबली होती थी, बॉस वहाँ इतना मोटिवेट करते थे, सारे दिन की थकान दूर हो जाती थी। मतलब दिन में क्लासेस थी, क्लासेस के बाद असेंबली और रात को कैंप, मतलब घर को याद करने का आपको टाइम ही नहीं मिलता वहाँ। उसके बाद आपका हर 15 डेज में एक माइनर होता है, माइनर की तैयारी करते थे, अगले दिन बॉस रिजल्ट के लिए अच्छा आता था तो तारीफ करते थे वरना डांट देते थे। फिर माइनर्स चलते जा रहे थे, अच्छी तैयारी हो रही थी, फिर बीच में बॉस ने रैंडम शुरू किए। हर थर्सडे को सुबह 6 बजे जाते थे सी बिल्डिंग, वहाँ बॉस मिलते थे, पेपर वही डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वहीं उसका सोल्यूशन, वहीं रैंक, सब वहीं पे, वहीं डांट। उसके बाद सिलेबस हो गया था दिसंबर जनवरी में, फैब में बॉस बोलते हैं रामबाण है उनका, बायोकेम डीटीएस शुरू हुई, वो बहुत अच्छी थी, तैयारी को एक अलग मोड पे ले गई, बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी। फिर अचानक से लॉकडाउन हो गया, 20 मार्च को सब घर आ गए, एकदम से लगा पता नहीं अब क्या होगा। फिर बॉस फिर आए, बोले घबराना नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ आए जुड़े। और उस लॉकडाउन में हमारा सिलेबस 3-4 बार रिवाइज हो गया था, पेपर शिफ्ट होता और वो फिर से वो डीटीएस शुरू कर देते हैं, फिर से लग जाओ। और फिर लास्ट में 13 सितंबर को पेपर हो गया और 661 के स्कोर के साथ आज मैं SMS। अगर आप रह गए हैं तो CLC पे भरोसा करें, एक बार फिर जुट जाएं CLC से। CLC के मॉड्यूल्स और वहाँ के टीचर्स के नोट्स ही अपने आप में कंप्लीट हैं, आपको बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बायोकेमिस्ट्री के लिए तो बायोकेम डीटीएस होती थी हमारे टाइम, तो अब कुछ हो गया बायोकेम के साथ, इको फिजिक्स भी हो गया इस बार, एक और हो गया नया कॉन्सेप्ट। हाँ, वो मतलब उसमें एनसीईआरटी का आपको सारा मैटर मिलता है, साथ में आप एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ें उसको तो छोड़ना ही नहीं है, और टीचर्स के नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे तभी एनसीईआरटी समझ आएगी। उसके अलावा वो उसको फॉलो करें, जैसा कहते हैं ऐसा करते जाएं, आप पक्का रैंक ले जाएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे और SMS आएंगे। वेलकम टू SMS।